उल्लास और दीपों का त्यौहार दीपावली अंग जनपद में धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने घरों को सजाकर श्रद्धा से कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा की और मिठाइयों का आनंद लिया। हालांकि इस बार पर्व पर कोरोना का भी असर दिखाई दिया, लेकिन बाजार में कम रौनक नहीं रही। लोगों ने मिठाई व उपहार देकर एक दूसरे को त्यौहार की शुभकामनाएं दी। शाम होते होते शहर प्रकाश में नहा उठा। लोगों ने शाम को पारंपरिक ढंग से लक्ष्मी गणेश का पूजन किया और बच्चों ने आतिशबाजी का आनंद लिया। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बाजारों में पटाखों की बिक्री कम रही। चुनाव आचार संहिता को लेकर पटाखों की बिक्री पर लगी रोक के बाद सीमित संख्या में लाइसेंस मिलने से व्यापारियों में मायूसी थी। लोग बाजार में तो जरूर निकले, लेकिन खरीदारी काफी कम की। उनकी उम्मीद से दुकानदारी काफी कम हुई। सजावट व पटाखों आदि पर भी लोगों ने सीमित खर्च किया। बोल सकते हैं जी, स्टार्ट। देखिए, आज शुभ दीपावली है और साल में ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से हम देश भर के नागरिकों ने मनाते हैं। इसको खास करके बुद्धिजीवी या व्यापारिक लोग जो हैं प्राय सभी मनाते हैं। छोटे मोटे किसान, चाहे वह कम पूंजी में हो या ज़्यादा पूंजी में हो, सभी कोई मनाते हैं। दीपावली को सुख समृद्धि खुशहाली का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में माना गया है। आज अयोध्या जी में भी संयोग से 5.5 लाख दीप की ज्योति जलाई गई है। वहाँ पर माननीय राज्य सरकार के माध्यम से और वहाँ के नागरिकों के माध्यम से, साधु संतों के सहयोग से वहाँ पर 5.5 लाख दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हम बिहार में भी अपना दीपोत्सव विभिन्न तरीके से मनाते हैं। विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न देशों में, विभिन्न गांवों में, विभिन्न शहरों में अलग अलग ढंग से अपने रीति रिवाज से लोग मनाते हैं। इसे सुख समृद्धि और खुशहाली का त्यौहार माना गया है। दीपावली पर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखी। सुबह से एएसपी पूरन कुमार झा ने कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर के साथ सभी थाना प्रभारियों के साथ पैदल व वाहनों से मार्च निकाला। मार्च कोतवाली से निकलकर खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, ततारपुर चौक होते हुए नाथनगर क्षेत्र से होकर गुजरा। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एनके यादव ने दूसरी बार जीतने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जो काम पिछले कार्यकाल में बच गए थे उन्हें पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित रूप से चले, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन से सामंजस्य बनाकर ये समस्या दूर करूंगा। कोसी क्षेत्र की जनता ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो और शिक्षा का लाभ अंतिम पायदान पर पहुंचे, इसके लिए मिलजुल कर काम करूंगा। बहुत चीज़ कर नहीं पाए, ऐसी यूनिवर्सिटी के मैं को चलाना मेरे हाथ से, मैंने बिल्कुल हम ही चला देंगे ऐसा कुछ नहीं है। हम उनको सलाह दे सकते हैं चलाना, ऐसे भाई जैसे बोले रामाश्रय बाबू, तो रामाश्रय बाबू की पॉइंट पर थे। तो रामाश्रय बाबू जब की जब इच्छा होती है जिनमें कार्यशैली का, तो वो अच्छा ढंग से कर पाते हैं। क्या जो बात आप बोल रहे हैं कि सेशन रेगुलर नहीं है, ये ऐसा नहीं, उनके ध्यान में नहीं है। जो एक परिवेश बना नहीं पाते हैं कि इस व्यवस्था ठीक बने, उस बनाने में हम मदद करेंगे उनको। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे ने अपनी हार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे यहां की जनता और कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मिला है। समय थोड़ा और मिल गया रहता, हाँ, तो हम लोग और अपने प्रबंधन को ठीक कर लिए रहते, और थोड़ा जो कैंडिडेट के नाते हमारा भी जो मतदाताओं के साथ संवाद और संपर्क हुआ थोड़ा और हम ज़्यादा कर लिए रहते, तो शायद आज वह जो कम मतों से यह नुकसान मिला है या नहीं होता। लेकिन कार्यकर्ताओं और संगठन के कारण जो अधिकतम मत था वह हमको मिला है, नहीं तो इतना 64,000 कुछ जो मत मिला है वह संगठन और कार्यकर्ताओं के मेहनत के ही बल पर वह मिला है। थोड़ा जो अपनी व्यक्तिगत हमारी कमी रह गई वह समय के अभाव के कारण। इनके यादव राजद के नीतीश कुमार को 6,901 मतों से पराजित कर दूसरी बार कोसी क्षेत्र के MLC निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हाथापाई और हंगामे के बाद कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित होने के बाद भागलपुर पहुंचते ही अजीत शर्मा ने महागठबंधन की हार का ठिकरा EVM पर फोड़ा है। उन्होंने कहा, जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया, लेकिन कई जगहों पर सरकार ने प्रशासन की मदद से मत का अपहरण कर हमें सत्ता से वंचित कर दिया। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। आज मैं सोनिया गांधी जी आदरणीय अध्यक्षा को और आदरणीय राहुल गांधी जी को जो विश्वास मेरे ऊपर करके विधायक दल का नेता बनाए हैं, मैं आपको बताऊं उसी विश्वास के साथ
पूरी बिहार की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और उनकी जनता की आवाज बनके, चाहे वो रोजगार का मामला हो युवकों का, चाहे ये स्वास्थ्य में जो गड़बड़ियां हैं, जो स्वास्थ्य का इलाज बढ़िया से नहीं हो रहा है, या शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना हो, या जैसे यहां का बुनकर लोग हैं पूरे भागलपुर बिहार में, उनकी आर्थिक स्थिति सुधार के उनको विस्तरित बनाने का, हवाई सेवा यहां जो पुरानी मांग है उसको पूरा करने का, ये तो भागलपुर का मामला है। पूरे बिहार में मैं बताऊं पूरी जनता के जो भी अपेक्षाएं उस पर खड़ा उतरूंगा और कांग्रेस के जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, जो सोच है लोगों के लिए युवकों को रोजगार देने का, जो राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया है, उसे पूरी उनकी आवाज बनके विधानसभा में अगर सरकार मेरी नहीं बनती एनडीए की बनती है तो पुरजोर आवाज निकाल के वो काम कराने का काम करूंगा। जो जनता का मन था बदलाव का, बदलाव मतलब एनडीए सरकार को उखाड़ फेंको और महागठबंधन को बनाओ, यही था। लेकिन निश्चित तौर पर जनता के जो मत हैं उसका अपहरण कर लिया गया है। कैसे किया गया अभी सीसीटीवी फुटेज देखने की बात है, लोग मांग रहे हैं दे नहीं रहे, वीडियो रिकॉर्ड, ये जो पोस्ट बैलेट जो कर्मचारी लोग वोट किए उनमें गड़बड़ियां हुई, 10 से लेकर 200-400 वोट में बहुत लोग हारे हैं, अगर वही आप जोड़ लो तो सरकार बन जाती है। भागलपुर में चल रहे स्वर्गीय चंदन कुमार उर्फ डुगडुग मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीम यूथ कॉर्नर के ड्रेस का अनावरण किया गया। इस अवसर पर यूथ कॉर्नर टीम के कप्तान सचिन अंचल के साथ साथ टीम के सभी 16 खिलाड़ियों को ड्रेस प्रदान किया गया। यूथ कॉर्नर क्रिकेट टीम के ड्रेस अनावरण कार्यक्रम में सुमन सिंह, जगदीश शर्मा, सुबीर मुखर्जी, रहमतुल्ला सहित अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दीपावली के शुभ अवसर पर नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना अत्यंत ही शुभ होता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए परमानंद झा द्वारा प्रमिला हार्डवेयर स्टोर का उद्घाटन एवं पूजन दादी मार्केट सीतामढ़ी में किया गया। इस अवसर पर स्टोर के प्रोपराइटर परमानंद झा, आशुतोष झा सहित उनके परिवार के लोग भी उपस्थित थे।